गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज शुरू करते हैं कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि इस पाठ में है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसमें हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के विषय में। तो सबसे पहला प्रश्न जो इसमें आता है वो है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वो है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद को बनाते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक का मतलब है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद बनाने की जो क्रिया करते हैं इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को ही संक्षिप्त रूप में या कहें कि सरल भाषा में लिखने की जो क्रिया है वो रासायनिक समीकरण कहलाएगी। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को ही संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया जो है वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। और तीसरा टॉपिक जो है वो है रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण लिखते समय हम अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का प्रयोग करते हैं। जैसे अभिकारक, उसके बाद उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभिकारक क्या, आपको बताया गया, अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, ये मिलकर नया उत्पाद बना रहे हैं सी, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो है रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय निम्न बातें ध्यान में रखी जाती हैं, जैसे रासायनिक समीकरण का एक नियम है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, जिसमें द्रव्यमान में कहा जाता है कि पदार्थ की ना तो उत्पत्त हो सकती है ना पदार्थ नष्ट हो सकता है। अर्थात जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसमें अभिकारक और उत्पाद का जो द्रव्यमान है वो समान होना चाहिए। इसी को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और यदि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं है तो हमें उसको संतुलित करना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं और उसका द्रव्यमान संतुलित करते हैं।